नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। दुर्लभ दिखने वाला ये जीव, इसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इस विलुप्त दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन जानवर को तस्करी करने वाले गैंग से यूपी की बिजनौर पुलिस ने रिकवर किया है। साथ ही पुलिस ने 15 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पेंगोलिन जानवर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए गैंग के तस्कर पेंगोलिन की तस्करी किया करते थे और ये लोग बिहार के कुछ तस्करों को पेंगोलिन को भारी दाम पर बेचना चाहते थे। विलुप्त दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन जानवर अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसकी कुल प्रजाति 8 हैं। इंडियन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। इसे सल्लू सांप के नाम से भी पुकारा जाता है। पेंगोलिन जानवर का इस्तेमाल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में किया जाता है। पेंगोलिन की हड्डियां और मांस की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है। इसका इस्तेमाल यौन वर्धक दवाओं के साथ कई अन्य तरह की दवाएं बनाने में किया जाता है। बता दें कि पेंगोलिन करीब 4 फीट का एक शर्मिला जीव होता है। ये भोजन के रूप में दीमक और चींटी को खाता है। पूर्वोत्तर भारत में इससे चाइनीज पेंगोलिन और अन्य राज्यों में इंडियन पेंगोलिन कहा जाता है। इसकी तस्करी मलेशिया, चीन, हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों में होती है। ये एक विलुप्त प्रजाति का स्तनधारी जीव है और देश के 14 जंगलों में पाया जाता है। पकड़े गए तस्कर यूपी, हरियाणा, बिहार राज्य के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी तस्करों के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की है। पकड़े गए सभी तस्कर रसूखदार हैं और इनमें से एक एसटीएफ का सिपाही भी है जो बिहार का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इन सभी को जेल में भेजने की कवायद में जुट गई है। दरअसल बिजनौर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।